This lecture on quantitative aptitude by our faculty Mr. Ram is brought to you by Apex Coachings. If you like this video, then please press like button and subscribe to our channel. Thank you. Simple sa question hai. देखिए क्वेश्चन क्या था 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है. क्वेश्चन यहाँ ध्यान दे लो, अब पढ़ लिया होगा आपने. 200 मीटर एक लंबी ट्रेन है, एक ये ट्रेन हमारी कितनी लंबी है 200 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यही है 200 मीटर लंबी ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेती है 19 सेकंड का टाइम लेती है. इन दोनों ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना टाइम लेती है 19 सेकंड का, और अगर एक आदमी को पार करती है तो कितना टाइम लेती है 10 सेकंड का टाइम लेती है. तो इस ट्रेन की स्पीड क्या है, ठीक है. और एक चीज याद रखना, अभी फिलहाल के लिए वैसे आपके पास ऑप्शन भी है, ज्यादातर क्या होगा आपको अगर स्पीड निकालनी है, ठीक है, स्पीड अगर आपको निकालनी है, स्पीड अगर निकालनी है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना है. वैसे ज्यादातर जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो किलोमीटर पर आवर में ही मिलेगी स्पीड. स्पीड जो मिलेगी किसमें मिलेगी आपको, किलोमीटर पर आवर में मिलेगी. यहां से हमें अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में मिलती है तो उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में. और अगर डिस्टेंस आपको बताना है तो ज्यादातर जो आपको डिस्टेंस मिलेगा वो मीटर में ही मिलेगा, तो आपको किसमें बताना है, मीटर में ही बताना है. बाकी ऑप्शन जैसे दिया उसके हिसाब से देखना है. टाइम ज्यादातर पूछा जाएगा तो आपको सेकंड में ही दिया होगा, टाइम जो है वो किसमें दिया होगा, सेकंड में ही पूछेगा ज्यादातर, ठीक है. और एक छोटी सी टेबल बना रहा हूं, इसको ध्यान रखना. ठीक है, यहां पर आपकी यूनिट जो है वो आपकी हमेशा सेम होनी चाहिए. जैसे स्पीड है, डिस्टेंस और टाइम. अगर डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है तो टाइम किस में होना चाहिए, आवर्स में होना चाहिए. तो आपकी जो स्पीड है वो किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में. अगर डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है तो टाइम किस में होगा, आवर्स में होगा. और जो स्पीड है वो किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में. और अगर डिस्टेंस हमारा मीटर में होगा तो टाइम किस में आएगा, सेकंड में. तो स्पीड किस में रहेगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है. ये ध्यान रखना, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए. पता लग रहा है यहां मीटर में दे रखा है और यहां पर टाइम आवर्स में दे रखा है, डायरेक्ट डिवाइड किया और आंसर निकाल दिया, नहीं, हमेशा चेंज करेंगे. अगर हमारे पास डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम सेकंड में दे रखा है, डिस्टेंस किस में हमारा किलोमीटर में है और टाइम किस में सेकंड में, और स्पीड हमसे पूछी गई है, तो एक तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि स्पीड हमसे किस में पूछी जाएगी, ज्यादातर क्या होगा किलोमीटर पर आवर में होगी, बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है. अगर ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो हम मीटर पर सेकंड में निकाल सकते हैं. अब स्पीड तो हमें किलोमीटर पर आवर में निकालनी है और डिस्टेंस जो है हमें किस में दे रखा है, किलोमीटर में. तो टाइम को किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. तो स्पीड अपने आप किलोमीटर पर आवर में आएगी. तो यह चीज भी ध्यान रखना कि यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए. अगर सेम नहीं है तो उसको क्या करेंगे, सेम करेंगे. अगर हमें स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दे रखा है सेकंड में, स्पीड किसमें दे रखी है किलोमीटर पर आवर में और टाइम किसमें सेकंड में, और हमसे डिस्टेंस पूछा है किसमें, मीटर में. तो स्पीड को किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में. तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये जो 5/18 या 18/5 जो हमने निकाला हुआ है किसके लिए है, सिर्फ स्पीड के लिए, बाकी डिस्टेंस और टाइम उसी के अकॉर्डिंग चेंज करें. अब जैसे यहां पर हमारा क्वेश्चन था कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, कितनी लंबी है 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करती है, 19 सेकंड में. तो देखिए जब यह ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस पार करेगी, अपना भी और प्लेटफॉर्म का भी, और दोनों को पार करने में कितना टाइम ले रही है, 19 सेकंड. तो हमारे पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, स्पीड आ जाएगी, ठीक है. और दे रखा है कि जब यह ट्रेन इस आदमी को पार करती है, जब यह ट्रेन इस आदमी को पार करती है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, सिर्फ अपना ट्रेन का, और अपने आप को पार करने में कितना टाइम ले रही है, 10 सेकंड. तो यहां भी हमारे पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, स्पीड यहां से भी आ सकती है. तो अगर हम चाहें तो स्पीड हम यहां से भी निकाल सकते हैं और
यहां से भी निकाल सकते हैं, दोनों में से कहीं से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह से निकाल के देखते हैं, जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कितना डिस्टेंस पार कर रही है, 380 मीटर, 380 मीटर, और इस 380 मीटर को कितनी देर में पार कर रही है, 19 सेकंड में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो हमारी स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड, कितनी आई, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन स्पीड हमें किसमें बतानी है, किलोमीटर पर आवर में। अगर स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में दे रखी है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 18/5, वही है छोटी यूनिट से तो बड़ा नंबर ऊपर रखेंगे, 18/5, तो कितना आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन अगर हम यहां से निकालना चाहते थे तो हम यहां से भी निकाल सकते थे, क्योंकि यहां पर ये जो ट्रेन है सिर्फ इस आदमी को पार कर रही है, किसको पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है, और इस आदमी को पार करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, सिर्फ अपना कितना, 200 मीटर, और 200 मीटर को पार करने में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ गई हमारी कितनी आई, सेम हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। हम चाहते तो यहां से भी निकाल सकते थे, यहां से भी, तो ये भी 20 मीटर पर सेकंड है, तो किलोमीटर पर आवर में कितना होगा, 72 किलोमीटर पर आवर। आए समझ में, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कि ये एक चीज एक्स्ट्रा दी हमें, हम आंसर यहां से निकाल सकते थे लेकिन उसमें बीच में एक चीज और दे दी, आदमी और दे दिया, फिर कंफ्यूज होने के लिए कि आदमी भी आया तो इसके लिए क्या करें, वही है ना। अगर हम चाहें यहां से भी निकाल सकते हैं आंसर, तो और आंसर हम यहां से भी निकाल सकते हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि दो चीजें हमें दे दी, कि अब स्टूडेंट का कंफ्यूज होगा कि अगर हम यहां से आंसर निकाल रहे तो आदमी क्यों दे रखा है उसने, कोई तो बात होगी, तो वो उसमें टाइम वेस्ट करे, और अगर आदमी से हम निकाल सकते हैं तो फिर प्लेटफॉर्म क्यों दे रखा है। तो हमें दोनों में से कहीं से भी आंसर मिल सकता था, तो दोनों जगह से हमने आंसर निकाल लिया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या है, सेम क्वेश्चन है, बट उसमें आपको एक ही चीज दे रखी होगी, या तो प्लेटफॉर्म दिया होगा या फिर आदमी दिया होगा। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन लिखवाता हूं, उसको सॉल्व करना फिर। 54, ठीक है, देखते हैं बेटा उसे। देखिए क्वेश्चन ये है, 270 मीटर लंबी एक ट्रेन, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, 270 है, 270 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को, एक खंबा है, इस खंबे को कितनी देर में पार कर रही है, 18 सेकंड में अगर पार कर जाती है तो उस ट्रेन की लंबाई, सॉरी ट्रेन की स्पीड क्या है, ठीक है। जब ये ट्रेन इस खंबे को पार कर रही है तो कितना डिस्टेंस पार करेगी, सिर्फ अपना, और अपने आप को पार करने में कितना टाइम ले रही है, 18 सेकंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ गई। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमें एक प्लेटफॉर्म और दे दिया था साथ में, यहां पर प्लेटफॉर्म नहीं दे रखा, तो आंसर तो हम यहां से निकाल सकते थे ना, तो आंसर हमारा मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो कितना आया, 50 किलोमीटर पर आवर में बतानी है स्पीड, ध्यान रखना स्पीड जो हमें किसमें बतानी है, क्योंकि ऑप्शन में जो दे रखा है किसमें दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में, अगर मीटर पर सेकंड में होगा तो मीटर पर सेकंड बताएंगे। तो देखिए डिस्टेंस हमारा कितना है, 270, और टाइम 18 सेकंड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ गई। लेकिन एक बात बताओ, ये जो स्पीड हमारी जो आई है वो किसमें आई है, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस हमारा मीटर में और टाइम सेकंड में। अगर हम यहीं पे इसको कन्वर्ट करना चाहें तो यहीं पे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर बाद में कन्वर्ट करना हो तो बाद में भी कर सकते हैं, बट ध्यान रखना कई बार कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है साथ में कन्वर्ट करने पे। स्पीड तो हमें पता है किसमें, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैलकुलेशन हमारी बच गई, 18 से 18 डिवाइड कैंसिल हो गया, 5 से आप इसको काट दो,
तो 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आए समझे, कर सकते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग पहले खुद ट्राई करना। एक ट्रेन की स्पीड, एक ट्रेन है, क्वेश्चन मैं यही समझा रहा हूं आपको,